ये है, मैं मीडिया के मीडिया से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी बात लोगों तक पहुंचे। 90 में हमने माइग्रेशन की है, जब हमने माइग्रेशन 90 में की है तो वहां नारा लग गया, यहां क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा। निजाम मुस्तफा का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और आज कैसे आजादी बटने सहन बटा बगर, और इसका मतलब यह है कि जो मिल्टन वहां से आ जाएंगे उन मिल्टनों को हम ये पटतानी जो है इनको हम ये सप्लाई करेंगे। लेकिन मैं आज मीडिया के जरिए लोगों तक मुसलमान भाइयों को अपील करता हूं कि जो सिकंदर श्रीनगर में होता है और जम्मू में जो भी सिकंदर कश्मीरी, ये कश्मीरी कौम पर दबा है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, ये जो दबा है ये हर एक कश्मीरी के ऊपर है। मैं हर एक तंजीम को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जम्मू आ जाए, जितनी भी लड़कियां यहां सप्लाई होती है उनको हम बाल काटेंगे, ताकि अगर मुसलमान जितने भी मुसलमान भाई जितने भी कमेटी है क्या वो अगर मेरे साथ आ जाएंगे। मैं एमके भट्ट लोक जनशक्ति पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट बोल रहा हूं, अब वो मेरे साथ कांटेक्ट करें और हम उन लड़कियों को सारे आम बाल काटेंगे जो यहां पर ट्रक का मतलब ये सप्लाई का काम करती है, जो सप्लाई का काम करती है होटलों में सप्लाई काम। और उससे ये नहीं कि मुसलमान कौम बदनाम होता है, उससे एक कश्मीरी बदनाम होता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो कश्मीरी हिंदू हो। खुले आम होता है, होटलों में सप्लाई होता है, होटलों में जीवल में देखो, जीवल में सारे आम और कश्मीरी लड़कियां, उससे कश्मीरी लड़की बदनाम नहीं होती है, उससे कश्मीरी मुसलमान बदनाम नहीं होता है, उससे एक कश्मीरी चाहे वो हिंदू हो चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हो वो बदनाम होते हैं। मैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ वो जम्मू में आ जाए और वो उन लड़कियों को देखे और उनको सारे आम हम बाल काटेंगे।